कांग्रेस के भीतर जिम्मेदारी संभाल रहे प्रियंका गांधी वाड्रा को संसद भेजा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक उन्हें छत्तीसगढ़ से राज्यसभा भेजने की तैयारी हो रही है। तो क्या अब प्रियंका गांधी पार्लियामेंट में देखी जाएंगी, और अगर प्रियंका गांधी को संसद के अंदर भेजा जाता है, राज्यसभा में भेजा जाता है, तो फिर इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी की आगे की कुछ और तैयारी है। प्रियंका गांधी को लेकर के देश के स्तर पर कांग्रेस पार्टी को बेहतर करने के लिए अभी तक प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने काफी जिम्मेदारी निभाई और जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कोशिश की थी, जो कोशिश अभी भी देखी जा रही है। हमारे सहयोगी अमित दुबे हमारे साथ में फुललाइन के जरिए दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अमित, अब क्या माना जाए कि अब प्रियंका गांधी के ऊपर कांग्रेस पार्टी कुछ बड़ी जिम्मेदारी डालने जा रही है और यही वजह है कि उन्हें राज्यसभा भेजने की तैयारी है? जी बिल्कुल, देखिए खासतौर पर अगर लोकसभा की बात की जाए तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों लोकसभा सदस्य हैं, यानी गांधी परिवार जो है वो लोकसभा में अवेलेबल होता है और राज्यसभा में इस तरह का कोई नहीं दिखता, और यही एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि प्रियंका गांधी को राज्यसभा भेजने की तैयारी हो रही है। दूसरी बड़ी चीज की जिस तरह से लगातार चाहे यूपी हो या अन्य मुद्दों पे प्रियंका गांधी जिस तरह प्रखर होकर सामने आती है, उसका भी पार्टी में लगातार संगठन में जिस तरह से लगातार बदलाव हो रहे, संगठन को मजबूती मिल रही है, ये भी चीजें कांग्रेस के जहन में है। इसीलिए कहा जा रहा है कि पार्टी के लोग जो है वो लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि प्रियंका गांधी को राज्यसभा। और क्या इसका एक मतलब ये भी है कि अभी तक अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी हैं, आगे आने वाले दिनों में प्रियंका गांधी को लेकर के इस किस्म से क्या विचार चल रहा पार्टी के अंदर, इसलिए नेशनल पॉलिटिक्स में प्रियंका गांधी की सक्रियता बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा? जी बिल्कुल, देखिए पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी पहले से ही है और ऐसे में जब अगर वो राज्यसभा मनोनीत हो जाती है तो जाहिर तौर पर इससे ना सिर्फ पार्टी को बल्कि राज्यसभा में भी कांग्रेस को मजबूती मिलेगी और कांग्रेस के आगे की रणनीति जो है वो राज्यसभा को लेकर। तो क्या कयास आ रहा है ये भी है कि प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है पार्टी का? देखिए ऐसी फिलहाल जो है इस तरह की चीजें नहीं है, हालांकि जो कार्यकर्ता है वो लगातार कई बार डिमांड कर चुके हैं कि प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, यहाँ तक कि जगह जगह पोस्टर भी कई बार लगाए जा चुके हैं, लेकिन फिलहाल जो है पार्टी का कोई भी नेता इससे बोलने को तैयार नहीं है, हालांकि अंदरूनी सुर में कई नेता चाहते हैं कि प्रियंका। बहुत शुक्रिया अमित इन तमाम जानकारी के लिए।